Good evening. SGR Knowledge Foundation आणि रायसोनी ग्रुप तर्फे आपण आजचं हे 8th सेशन नॉलेज सीरीज मध्ये करतो आहोत. मिस्टर शेखर सेन हे आजचे आपले वक्ते असून आतापर्यंत शेखर सेन हे मोनो ऍक्ट साठी नागपूर मध्ये भरपूर लोकांनी पाहिले आहेत. आज ते आपल्याबरोबर चर्चा करणार आहेत स्वामी विवेकानंदांवर. जे रिसर्च त्यांनी मोनो ऍक्ट साठी स्वामी विवेकानंदांवर केलं त्या रिसर्चच्या हिशोबाने त्यांनी त्यांना सापडलेले त्यांना मिळालेले स्वामी विवेकानंद म्हणून स्वामी विवेकानंद एक आत्मबोध हे सेशन आपण एस जी आर नॉलेज फाउंडेशनतर्फे यावेळी ठेवतो आपण. एस जी आर नॉलेज फाउंडेशन ही सेक्शन 8 कंपनी असून सोशल इनिशिएटिव्समध्ये ही कंपनी डील करते. ज्यात आम्ही स्लम एरियातल्या स्टुडंट, जसं मागच्या वेळी पण मी सांगितलेलं आहे, आम्ही आमच्या कम्प्युटर डान्स थ्रू स्लम एरियातल्या स्टुडंट्सना फ्री कम्प्युटर एज्युकेशन देतो. असे स्टुडंट्स आम्ही पाहिले आहे ज्यांनी अजूनपर्यंत कम्प्युटरला टचसुद्धा केलेलं नाही. इज मराठी कम्फर्टेबल टू एव्हरीबॉडी और शॅल आय स्पीक इन हिंदी? हिंदी, ओके. एस जी आर नॉलेज फाउंडेशन की तरफ से अभी तक हम लोगों ने सोशल इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिन इनिशिएटिव्स में एक हम लोगों का जो शुरू किया है वो मोबाइल कंप्यूटर वैन है, जिसमें कंप्यूटर वैन में 17 से 18 कंप्यूटर का अरेंजमेंट हमने किया है, प्लस सारे एमिनिटीज हमने उस वैन में दी है. जो कंप्यूटर वैन स्लम एरिया के बच्चे और NMC के स्कूलों के बच्चों को कंप्यूटर का उन्होंने अभी तक ज्ञान दिया है, बेसिक नॉलेज जो दिया है, इसमें अभी तक हम लोगों ने 2500 स्टूडेंट्स कवर किए हैं. ऐसे स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखे हैं जिन लोगों ने अभी तक कंप्यूटर को टच तक नहीं किया, जो नहीं जानते कंप्यूटर क्या है. आज के एरा में जहां हम लोग सारी चीज़ें कंप्यूटर बेस्ड करते हैं, वहां ऐसे भी बच्चे हैं जिन लोगों को कंप्यूटर क्या है ये नहीं पता और उन्होंने सिर्फ कंप्यूटर का फोटो देखा हुआ है. एस जी आर नॉलेज फाउंडेशन ऐसे बच्चों के साथ में डील करता है, प्लस एनवायरमेंट में भी ये डील करता है और हेल्थ इनिशिएटिव्स भी एस जी आर फाउंडेशन लेता है. इसी फाउंडेशन का नॉलेज सीरीज ये कंसेप्ट है, जिसके तहत हम अलग अलग क्षेत्रों में से वक्ताओं को इनवाइट करते हैं और यहाँ पे हम लोग वो सेशन प्रस्तुत करते हैं. इसमें ये वक्ता उनके फील्ड में, उनके स्पेशलाइज्ड एरिया में इन लोगों का काफ़ी ज्ञान है जो वो हमारे साथ में शेयर करते हैं. पुराने ज़माने में व्याख्यान माला हुआ करती थी, जो ट्रेंड हम लोग अभी इस ज़माने में लाने की कोशिश कर रहे हैं. इसी तहत इस बार ये जो 8वां सेशन है, जनवरी में हमने शुरू किया था हमारा पहला 8वां सेशन, ये जो है हमारा यहाँ पे चिटनविस सेंटर में, यहाँ डॉक्टर शेखर सेन हैं. डॉक्टर शेखर सेन जो है, इन्हें 2015 में भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से पद्मश्री अवार्ड हुआ है. और शेखर सेन जी उनके मोनो एक्ट के लिए जाने जाते हैं, जिसमें से उनके मोनो एक्ट है तुलसी, कबीर, विवेकानंद, साहब, सूरदास, और देश विदेशों में उन्होंने ये मोनो एक्ट्स किए हुए हैं. प्लस ये खुद एक बहुत अच्छे सिंगर है, डायरेक्टर है, प्लस कई सारे इसमें उन्होंने म्यूजिक दिया है. ही इज़ अ वेरी गुड म्यूजिशियन ऑल्सो. और आज हम उनसे सुनने वाले हैं विवेकानंद, जो उन्होंने आत्मसात किए हैं, विवेकानंद जो उन्हें समझ आए हैं. हम अभी सेशन शुरू करते हैं. जस्ट सर को अभी रिसीव करने के लिए गए हैं. आज के इस सेशन में शेखर सरवटी जी से विनती करती हूँ कि चिटनविस सेंटर की तरफ से वो उनका तुलसी का पौधा लेके स्वागत करें. विषय बहुत कठिन है, वैसे बहुत सरल है. कठिन इसलिए क्योंकि मैं कभी बोलता नहीं हूँ, कम बोलता हूँ, दोस्तों के साथ बहुत बोलता हूँ. मंच पर स्क्रिप्ट होती है तो 2 घंटे तक अनवरत बोल सकता हूँ, पर इस तरह से मुखामुखम संवाद करने का संयोग कम होता है. मेरे नाटक की जो शुरुआत है वो इस तरह से होती है. सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे संतु निरामया नोई सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अगले 50 सालों तक अपने सारे देवी देवताओं को उठाकर ताक पर रख दो। हमारा राष्ट्र ही हमारा देवता हो। पूजा करें हम अपनी मातृभूमि की, सेवा करें अपने देशवासियों की। उठो, जागो और तब तक कर्म करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना। स्वामी जी के ऊपर कुछ भी बोलने से पहले उसकी एक भूमिका बनानी चाहिए। जैसे कोई उपन्यास जब आप पढ़ते हैं उसमें लेखक पहले एक भूमिका बनाता है, तो आज की भूमिका मैं दे रहा हूं प्रश्न। स्वामी विवेकानंद या नरेंद्रनाथ दत्त की विशेषता यह थी कि वो बहुत प्रश्न करते, और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस उनके सारे प्रश्नों का उत्तर देते थे। भारत की परंपरा प्रश्न पूछने की और उत्तर पाने की परंपरा है। दूसरी संस्कृतियों में कोई भी एक ईश का अवतार एक बात कहता है और वो फाइनल वर्डिक्ट होता है, उसमें कोई आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। लेकिन यहां पे देखिए, अर्जुन प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे हैं, कृष्ण जवाब दिए जा रहे हैं, वो फिर भी प्रश्न किए जा रहा है। युद्ध भूमि है, अभी धनुष उठाना है, सब कुछ है, लेकिन प्रश्न पूछना छोड़ नहीं रहा। तभी मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं ताकि थोड़ा सा दिमाग पहले खुल जाए और आप, मैं जो बात कर रहा हूं, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि जब कोई बगीचा लगाना होता है तो पहले जमीन थोड़ी तैयार करनी चाहिए, तो मैं थोड़ी जमीन तैयार कर रहा हूं। पहली बाल भारती पाठ एक क्या याद आ गया? यत्ता पहली बाल भारती पाठ एक, इसमें लिखा हुआ था अ आ ई ई उ ए ऐ क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ, उसके ऊपर चार शब्द लिखे हुए थे। चार शब्द याद आते हैं? किसी ने कहा वर्णमाला ऑब्लिक अक्षरमाला। केवल याद करिए, आपने सबने पढ़ा हुआ है मेरी तरह। अतः प्रश्न है कि क किंवा म वर्ण आहे कि अक्षर आहे? वर्ण। तो फिर अक्षरमाला क्यों लिखा है? उससे अक्षर बनते। अक्षर बनते? अक्षर बनता नहीं, अक्षर तो होता है, शब्द बनता है। अब समस्या इस देश की ये हुई कि जो प्रश्नोत्तर करने वाला देश था या हमारी संस्कृति थी, उसने प्रश्न पूछना बंद कर दिया। मैं आपको यत्ता पहली का इसलिए बता रहा हूं ताकि हम सबको मालूम पड़ जाए कि हमारे गुरुओं ने हमको ठीक नहीं बताया। उसमें उनकी गलती नहीं थी, उनके गुरुओं ने भी उनको ठीक से नहीं बताया। नहीं तो उनको सबसे पहले दिन ये बता देना चाहिए था कि बेटा क जो है वो अक्षर भी है और वर्ण भी है। क वर्ण है, जब आप लिखते हैं या पत्थर पर उसको उकेरते हैं, जो चीज नष्ट हो सकती है वो वर्ण है। आप कागज को फाड़ सकते हैं, पत्थर को तोड़ सकते हैं, कांच में आपने अगर एंग्रॉस कराया हुआ है उसको आप फोड़ सकते हैं, जो नष्ट हो जाए वो वर्ण। तो लिखा जाए तो वर्ण और बोला जाए तो अक्षर, क्योंकि हमारे मनीषियों को मालूम था कि ध्वनि जो है वो कभी भी क्षर नहीं होती, नष्ट नहीं होती, हमेशा अजर अमर रहती है। इसलिए जब आप कोई शब्द या अक्षर जब आप बोलते हैं, क वर्ण जब बोलते हैं या गाता हूं मैं, तो वो अक्षर हो जाता है। ऐसा नहीं कि ये छोटे छोटे प्रश्न में आपसे आप इसे, ऐसे कितने लोग हैं जो किसी आरती नाम की महिला को जानते हैं या किसी का नाम आरती हो? सभी जाने।
आरती नाम है आपका? हाँ, आरती का अर्थ क्या है? बताइए, कोई आप बताइए, आरती मुझे क्या है? देवाची स्तुति, सम्मान देना, आणखी काय तरी? आळवणी, 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 बर, संगीतमय असते, संगीतमय. ओके, मैं 5-10 मिनट ले रहा हूं ताकि आपके अतिथि आ जाए. आरती म्हणजे दुःख, आर्तनाद. आर्तताई शब्द जो बना है दुख देने वाला. आरती म्हणजे दुख, इसलिए आरती गाई नहीं जाती, आरती उतारी जाती. आरती कभी भी गाई नहीं जाती, आरती के लिए शब्द है चली चली आरती उतारेंगे. क्यों? आप ईश्वर से कहते हैं, हे ईश्वर, तूने हमें जो सुख दिए, जो वैभव दिया, जो शक्ति दी, जो क्षमताएं दी, उसके लिए तुझे धन्यवाद है. पर तूने साथ में हमको दुख भी दिए. ये दुख लेकर हम लोग रात को नहीं सो पाएंगे, इसलिए दुख हम तेरे ही चरणों में उतारने के लिए आए हैं. इसलिए आप हर दिन दुख उतारते हैं आरती. अब लोगों ने अपने घर में बच्चों का नाम आरती रख लिया. अब बड़ा मतलब मेरी सगी मौसेरी बहन का नाम आरती है. मतलब मैं दूसरों का भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि अब आजकल बहुत तरह के नाम. अभी किसी ने बताया कि सर आपको अच्छा लगेगा, सर मैंने अपनी बेटी का नाम अंत्येष्टि रखा है. नहीं, उनको नया लगता है, कुछ नया शब्द है, अच्छी बात है. अनखिल एक प्रश्न, उसके बाद फिर मैं अपने वक्तृत्व पे आ जाता हूँ. महाभारत आपने सुना है? महाभारत हमारा जो ग्रंथ, महाभारत का अर्थ बताना है. महाभारत चा अर्थ, एनी गेसेस? बिग स्टोन. फाइन, एनी अदर गेस? महाभारत, रामायण महाभारत पढ़ पढ़ के हम लोग बड़े हुए, पर महाभारत का अर्थ क्या? बहुत अच्छा, गुड. विशाल भारत, विशाल भारत. भारत माने क्या? भारत वहां जिस अर्थ में लिया गया है. अपने देश का नाम भारत नहीं, अपने देश का नाम है भारतवर्ष. और जो भारतवर्ष में रहने वाला व्यक्ति है उसको हम भारत कहते हैं पुराने समय. इसलिए कृष्ण जब अर्जुन को संबोधित करते हैं तो कहते हैं उत्तिष्ठ द भारत, हे भारत, हे भारतीय, तू खड़े हो जाओ और युद्ध कर. कई जगह पर कृष्ण अर्जुन को भारत संबोधित करते हैं. तो भारत यानी भारतीय, इंडियंस. तो महाभारत जो है वो महान भारतीयों की गाथा है. उसमें हर चरित्र महान है. उसमें कुंती भी महान है, भीष्म भी महान है, विदुर भी महान है, दुर्योधन भी महान है. इसमें कोई भी खलनायक नहीं है. यह हमारा पहला ऐसा ग्रंथ है जो आपको ये प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है कि जब युधिष्ठिर स्वर्ग की सीढ़ी चढ़कर के ऊपर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पहले से दुर्योधन बैठा हुआ है. क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कुछ भी ऐसे व्हाइट और ब्लैक नहीं है. हमारे यहाँ कहा गया पूछो और समझो. इसी बहाने आप इसे इंग्लिश मीडियम में कितने बच्चे पढ़े हुए हैं? इंग्लिश मीडियम, वंडरफुल. नाउ आई विल जस्ट आस्क वन क्वेश्चन. एस यू एन, सन. गिव मी अनदर वर्ड फॉर सन, एनी अदर वर्ड फॉर सन इन इंग्लिश. एस यू एन, नो ग्रीक, नो लैटिन, नो फ्रेंच, नो हिंदी, नो मराठी, ओनली इन इंग्लिश. टेल मी अनदर वर्ड फॉर सन. एस यू एन. Solar is not English. Star is not sun. मैं इसलिए बोल रहा हूँ उसको विज्ञान की गंदी में बंदूक में चले गए.
और मून, गिव मी अनदर वर्ड फॉर मून, एनी अदर वर्ड फॉर आई, एनी अदर वर्ड फॉर नोज. नाउ व्हाई सन इज कॉल्ड सन, एनी आंसर्स? नाउ हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू गिव मी फॉर सन इन हिंदी, फॉर मराठी? अरुण कांति, अरुण सूरी का नाम नहीं, अरुण कांति, अरुण उनके सारथी का नाम. आदित्य, रवि, क्यों इतने सारे नाम आपके पास क्यों? क्योंकि आपके गुरु ने आपको यह बताया, पुराने लोगों ने, कि इसको हम सूर्य कहते हैं पर इसको अंतिम सत्य मत मान, अब तू खोज और तू खुद पा. तो एक ने कहा कि ये तो अदिति का बेटा है, इसको मैं आदित्य कहूंगा. एक ने कहा इसके अंदर भास दिखाई देता है, हेलो दिखाई देता है, इसलिए मैं इसको भास्कर कहूंगा. इसका रथ जो है वो अरुण चला रहा है, इसलिए इसका नाम अरुण कांति हो. इसके अंदर जो प्रकाश है वो रब के रूप में हमें प्राप्त होता है, इसको मैं रवि कहूंगा. भारत में कोई भी शब्द निरर्थक शब्द नहीं है, हर शब्द का अर्थ है, उसका कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गंगोत्री है, तभी गंगा बह रही है. मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि नरेंद्र नाथ दत्त जब सबसे पहली बार रामकृष्ण परमहंस से मिलते हैं, वो प्रश्न, पहला प्रश्न पूछते हैं, क्या आपने ईश्वर को देखा है? और ठाकुर कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल वैसे ही देखा है जैसे तुझे देख रहा, बल्कि इससे भी साफ. ईश्वर को देखा जा सकता है पर उसको देखना कौन चाहता है? लोग तो धन दौलत चाहते हैं, बीवी बच्चे चाहते हैं, उनके लिए आंसू बहाते हैं, ईश्वर के दर्शन नहीं हुए इसके लिए कौन रोता है? नरेंद्र कहते हैं अगर आपने देखा है ईश्वर को तो मुझे दिखा सकते हैं. बोले हाँ दिखा सकता. नरेंद्र ऐसे ही मानने वालों में से नहीं थे, वो भी हमारे आपकी तरह अंग्रेजी का ज्ञान लेकर के विज्ञान के तरीके से हर चीज को विश्लेषित करने के बाद किसी के सामने सर झुकाते. विवेकानंद नाटक मेरा शुरू हुआ लिखना 2000, मेरा पहला नाटक था तुलसी. 97 में मैंने लिखा, 98 में शुरू किया, एक पात्रीय संगीतमय नाटक तुलसी. एक साल में अच्छी बात यह हुई कि 98 तक मेरी पत्नी के पास गहनों का के दूसरे सेट की जगह बन गई, क्योंकि पहला सेट बिक गया. घर में जो भी तांबा, सोना, चांदी के सिक्के वगैरह होते हैं, क्योंकि भारतवर्ष की विशेषता यह है कि यहाँ पे लोग फिल्म देखने के लिए 1000 रुपये खर्चा कर सकते हैं पर नाटक देखने के लिए 100 रुपये खर्च नहीं कर सकते. जो विश्व की सबसे पुरानी प्रदर्श कला है नाटक, उसको देखने का के लिए, मतलब एक तो सबसे दुखद यह है कि सबको एक तो नाटक फ्री में देखना है, फ्री में भी फर्स्ट रो में बैठ के देखना है. तो मैंने कल्पना की, एक ऐसी राइटर नोट पर बोल रहा हूँ, कि मैं एक ऐसा थिएटर बनाऊँ जिसमें केवल फर्स्ट रो. ऐसा कैसे हो सकता है? आप भी कहेंगे यार ऐसा थिएटर कैसे बन सकता है जिसमें, क्योंकि हर एक को फर्स्ट रो में ही बैठना है. तो मैंने सोचा कि ऐसा हो थिएटर जो ऊंचा बहुत, तो फर्स्ट रो, उसके ऊपर फिर फर्स्ट रो, उसके ऊपर फिर फर्स्ट रो, ऐसे 30-40 फर्स्ट रो करके उस थिएटर खत्म. क्योंकि हर एक को फ्री में देखना है, हर एक को फर्स्ट रो में देखना है, और हर एक को आकर के कुछ आपकी कमियां भी निकालनी है. तो दूसरा नाटक मेरा हुआ कभी, पर पहला नाटक मैंने बहुत कड़ाई से यह शर्त रखी कि मैं भी किसी को फ्री में देखने नहीं दूंगा. तो मैंने अपने माता पिता ने जितनी बार देखा मेरा शो, उन्होंने टिकट खरीदी देखी. मेरी पत्नी ने आज तक करीब 350 बार मेरा नाटक देख लिया, उसने हर बार मेरे लिए टिकट खरीद कर मुझे देखा. मेरे बच्चे ने जितने बार भी, चाहे वो 2 साल का था या 2.5 साल का,
उसकी टिकट खरीदी गई है तभी उसको मंच स्टेज में अंदर या हॉल में अंदर आने दिया गया। दूसरे नाटक के बाद से मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधरी और मेरी पत्नी के नए गहनों के सेट की शुरुआत हो गई। तीसरा नाटक मैंने 2000 में लिखना शुरू किया और विवेकानंद, क्योंकि मैं रायपुर में मेरा जन्म स्थान है। आप में से लोगों को पता होगा कि रायपुर में स्वामी जी 20 महीने रहे थे, उसमें दो अलग अलग धारणाएं हैं, 18 महीने या 20 महीने। मेरी जानकारी के अनुसार करीब 20 महीने स्वामी जी रहे थे। आपको ये पता है स्वामी जी कैसे गए थे रायपुर? वो कैलकाटा से वाया जबलपुर आए थे नागपुर तक ट्रेन में, और नागपुर से बैलगाड़ी में बैठ करके गए थे रायपुर। और आप में से जिन्होंने रेल में यात्राएं की होंगी उनको पता होगा कि भंडारा और गोंदिया के पास एक पहाड़ियां आती हैं, साले कसा दरे कसा, दो स्टेशन आते हैं। वहां पर पहली बार स्वामी जी को आलोक दिखा और वो बेहोश हो गए। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सबसे पहली बार स्वामी जी को विदर्भ में, जिसको हम ज्योति का दर्शन कहना कहते हैं, वो स्वामी जी को हुआ। 2000 में जब मैंने लिखना शुरू किया, थोड़ी देर लिखने के बाद मुझे लगा कि इतने बड़े चरित्र को मैं 2 घंटे में समाहित नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने नाटक रोक दिया। और 2003 की शुरुआत में अमेरिका से मेरे एक मित्र हरीश त्रिवेदी, जो स्वयं नाटककार थे, वो आए थे इंडिया घूमने के लिए। उन्होंने मुझे कहा, शेखर तुम्हारा लैपटॉप अगर है तो मुझे दे दो, मैं लैपटॉप नहीं लाया। तो मैंने अपना लैपटॉप उनको दे दिया। वो एक महीने घूम के लास्ट में मेरे घर में आके लैपटॉप उन्होंने लौटाया, खाना खाए, और फिर मैं उनको एयरपोर्ट छोड़ के आया। जैसे ही एयरपोर्ट छोड़ के घर आया तो उनका फ़ोन आया, बोले शेखर यार मैं तुम्हारा लैपटॉप एक महीने से लिया था, तुम केवल एक बार ऑन करके देख लो लैपटॉप ठीक चल रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने तुमसे वर्किंग कंडीशन में लिया था तो वर्किंग कंडीशन में तुमको मिला या नहीं। कहा हरीश भाई मैं यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ। और बोले नहीं, तुम मेरी तसल्ली के लिए एक बार ऑन करो। तो मैंने ऑन किया रात के 2 बजे। अब कंप्यूटर की आदत होती है कि वो जल्दी ऑन नहीं होता, पुराने रेडियो की तरह धीरे धीरे गर्म होता है। तो अब वो ऑन हुआ, फिर मैंने कहा जी ऑन हो गया, अब आप जाइए अमेरिका, मैं सोता हूँ। पर ऑफ करने में भी उतना ही समय लगता है। अचानक मुझे याद आया कि इसमें मैंने विवेकानंद की स्क्रिप्ट लिखी थी और हिंदी का सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, तो मैंने कहा चलो खोल के देखते हैं। तो मैंने खोल कर देखा, पहले 3 सीन लिखे हुए थे, और जब तक मैं 3 सीन पढ़ रहा था 4th सीन मेरे दिमाग में चलने लगा, मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो 2003 में अगले 2-3 महीने में मैंने नाटक लिखा। नाटक की के लिए फिर मैंने रामकृष्ण मिशन में, खार में हमारे यहाँ मुंबई का जो मुख्य रामकृष्ण मिशन में, वहाँ गया बड़े महाराज जी से। मैंने कहा स्वामी जी ऐसा ऐसा मैं कुछ कर रहा हूँ, स्वामी जी पर नाटक है। बोले नहीं, किचुई फूल जनो ना थके सब जनो ढिगी है, तो एक कच कुर्ची मैं 18 मॉन्क्स को बिठा देता हूँ, वो तुम्हारा स्क्रिप्ट सुने। अब मैं 5-6 सीन लिख के लाऊं, वो 18 मॉन्क्स ऐसे अभिमन्यु को जैसे घेरते थे वैसे मैं घिरा रहता था, वो लोग मुझे प्रश्न पर प्रश्न पूछते थे। तो मैंने नाटक लिखना शुरू किया और उनको बताता गया। थोड़े दिन के बाद एक दिन मैंने उनसे कहा, मैंने कहा स्वामी जी मुझे लग रहा है आप मेरा नाटक बहुत लंबा कर देंगे। ना इटाओ रखो, ये भी रखो, वो भी रखो, अरे ये तो छूट ही गया। मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए नाटक नहीं बना रहा हूँ, अगर आपको ये गलत फहमी हो कि मैं आपके लिए नाटक बना रहा हूँ, मैं ये नाटक छोटे बच्चों के लिए बना रहा हूँ, ताकि इस उम्र के बच्चे, इनके मन में केवल एक उत्कंठा में जगा दूँ कि विवेकानंद कौन थे, बस इतना, बाकी वो खुद पढ़ लेंगे। तो 2003 में मेरा नाटक लिखना पूरा हुआ जून में, और 2004 से मैं विवेकानंद कर रहा हूँ, और इस समय तक देश और विदेश में 286 प्रस्तुतियाँ, 286 प्रेजेंटेशंस विवेकानंद। अगर मेरे सभी नाटकों को जोड़ लें तो इस समय 993 हो चुका है। बहुत शीघ्र आपके आशीर्वाद से 1000वीं प्रस्तुति की ओर बढ़ रहा। तो खैर मुद्दे की बात यह कि जब मैंने पूरा नाटक लिखा तो करीब 4 घंटे का नाटक था, फिर अपने नाटक को बड़ी बेरहमी से मैंने 2 घंटे उसमें से कम किए।
मुझे जब विषय मृणाल जी ने कहा कि आपको विवेकानंद एक आत्मबोध, ये बड़ा आध्यात्मिक विषय, इसके लिए आपको कोई स्वामी शेखरानंद जैसे व्यक्ति की जरूरत थी। मैं कलाकार की दृष्टि से आपको बोल सकता हूँ कि मैंने स्वामी जी को कैसे देखा। स्वामी जी की विशेषता ये थी कि वो बहुत अच्छे गायक थे। आपको शायद पता नहीं होगा पर जितनी भी रामकृष्ण मिशन की प्रार्थनाएं हैं, दे आर ऑल कंपोज्ड बाय स्वामी जी एंड ही हैज रिटन टू सॉन्ग्स इन हिंदी आल्सो। उसमें से आप याद दिलाइएगा, थोड़ी देर बाद वो गाना भी सुनाऊंगा। ध्रुपद गाते थे, धमाड़ गाते थे और बहुत अच्छा ख्याल भी गा लेते थे, भजन बहुत अच्छे गाते थे। तो मुझे एक बहुत अच्छी बात यह लगी, मैंने कहा भाई स्वामी जी जैसा विषय संगीत, सांगीतिक विषय, और मैं एक संगीत का विद्यार्थी हूँ, तो मेरे लिए बहुत आसान होगा स्वामी जी को समझना। यहाँ पर मैं आपको एक और बड़ा रोचक जानकारी आपको दूँ। दो शब्द हमारे पास ऐसे हैं जिसका जोड़ आपको दुनिया की किसी दूसरी संस्कृति में नहीं मिलेगा। मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बता रहा हूँ जिसको आप अपने ध्वनिता मंडल या मित्र मंडल में जाकर के थोड़ा ध्वस जमा सकते हैं। पहला शब्द है शब्द ब्रह्म और दूसरा है नाद ब्रह्म। संसार की किसी संस्कृति में आपको इन दो संयुक्ताक्षरों का जोड़ नहीं मिलेगा, जहां पर हमारे मनीषियों ने यह पाया था कि केवल शब्द को ब्रह्म तक ले जाने का रास्ता आप बना सकते हैं, या केवल नाद को या स्वर को या ध्वनि को से आप संगीत पा सकते हैं। स्वामी हरिदास जी ने कोई तपस्या नहीं की, लेकिन फिर भी हम उनको संत मानते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि उन्होंने संगीत से अपने ईश्वर को पाया। इसलिए आज भी कोई बड़ा गायक आता है या कोई बड़ा वादक आता है तो उसके प्रति हमारे मन में वही भाव रहता है कि ये संत है या इसने ईश्वर का साक्षात्कार किया। स्वामी जी की ये विशेषता थी कि वो बहुत अच्छा गाते थे और बहुत सारी भाषाएं सीखने में विश्वास रखते थे। रायपुर के प्रवास में उन्होंने हिंदी सीखी थी, बांग्ला वो बोलते थे, अंग्रेजी वो इतनी अच्छी बोलते थे कि उनके बारे में इंग्लैंड के प्रवास में लोगों ने कहा है व्हेन वी लिसन टू दिस आनंद। ये बड़े मजे की बात है कि उनको अंग्रेज और अमेरिकन विवेकानंद पूरा नहीं बोल पाते थे, वो आनंद बुलाते थे, आनंद अफ्रीका ए एन ए एन डी, उनको वो ज़्यादा ईजी लगता था। और आफ्टर राजा राम मोहन रॉय दिस इज वन इंडियन हु स्पीक्स बेटर इंग्लिश देन अस, जो हमसे बेहतर अंग्रेजी बोलता है। तो मैं स्वामी जी कैसा बोलते थे ये ना बता के मैंने आपको एक अंग्रेज विद्वान का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के उनका कोट आपको सुनाया। कुछ चीज़ें मैं अपने नाटक में नहीं रख पाया जिसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ यहाँ, मुझे आपको वो बतानी चीज़ें बतानी चाहिए जो नाटक में मैंने इस्तेमाल नहीं की। स्वामी जी ने कोई संन्यास नहीं लिया था, स्वामी विवेकानंद उनका नाम नहीं था। केवल पहले हम लोग साफ करते चले, स्वामी जी हर जगह अपना नाम अलग बताते थे। वो कहते थे मेरा नाम कुछ नहीं, मैं तो रामकृष्ण परमहंस हैं, बहुत बड़े संत, उनका शिष्य। किसी ने पूछा तो बोले अड़गड़ानंद, ऐसा नाम बताते थे कि आदमी को याद ही न रहे कि अगली बार वो याद रख सके। स्वामी विवेकानंद नाम उनको ठीक अमेरिका यात्रा के 4 दिन पहले खेतड़ी महाराज ने दिया और उन्होंने कहा कि भाई आप हर बार अपना नाम अलग अलग बताते हैं और हम लोग आपको स्वामी जी बोलते हैं, आपका नाम मैं रख रहा हूँ, आपका नाम होना चाहिए विवेकानंद। तब स्वामी जी ने कहा कि ठीक है, आज के नाम बाद में अपना नाम हरेक को विवेकानंद बताओ। पर मजे की बात यह है कि वो, अगर आपने स्वामी जी के चित्रों की पुस्तक देखी हो तो जब परिव्राजक बनकर के वो भारत भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने सफ़ेद कपड़े, वो केवल एक नीचे धोती को लुंगी जैसा पहन लेते थे और ऊपर या तो खुला रहता था या एक चादर ओढ़ लेते थे। और उसके बाद उनको एक समस्या का सामना करना पड़ा। उनका जो स्वरूप था स्वामी जी का, वो इतना दिव्य था कि लोगों को ऐसा लगता था कि ये कोई राजपुरुष है
जो भेष बदल के हमारे बीच घूम रहा है। सुंदर चेहरा, अच्छी लंबी कद काठी। मैंने इस चित्र में, आपने मेरा चित्र दे दिया था, स्वामी जी का चित्र होना चाहिए, पर स्वामी जी का ये जो हिस्सा है ये और उठा हुआ है, इसलिए अगर आप मेरे कंधे अभी देखेंगे और इस चित्र में देखेंगे तो इसमें कंधे में मैंने पैड लगाया हुआ, क्योंकि स्वामी जी के कंधे ऊंचे कंधे जैसे योद्धा के कंधे होते हैं। तो स्वामी जी के पास जहां भी वो जाते थे भिखारियों की भीड़ लग जाती, और उनके पास जो कुछ भी था वो सब दे देते थे। तो एक दिन वो किसी से मिले, किसी ने कहा, बोले आप दुखी दिख रहे हैं स्वामी जी ने कहा, बोले लोग मुझसे अपेक्षा करते हैं पर मेरे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, अब वो मुझसे मांगते हैं और मैं उनको कैसे बोलूं कि मैं तुमको मैं कुछ नहीं दूंगा, मुझे मालूम है उसने कुछ नहीं खाया, वो गरीब है, वो दुखी है, वो भूखा है। बोले तुमको बचना है इससे? बोले हाँ बचना है। बोले गेरुआ वस्त्र पहन लो, गेरुआ वस्त्र पहन लोगे तो कोई भीख नहीं मांगेगा। तो भीख मांगने से बचने के लिए स्वामी जी ने गैरिक वस्त्र धारण किए। ये ऐसी जानकारियां मैं आपको दे रहा हूं जो मुझे भी नहीं मालूम थी, और आप इसको प्लीज, मैं ऐसा बिल्कुल, मैं फिर से कह रहा हूं, मेरे कहे हुए किसी भी शब्द को अंतिम सत्य मत मानिए, खुद आप लोग शोध करिए। मैं आपको इसलिए केवल थोड़ा भड़का रहा हूं ताकि आप खुद जाकर ढूंढें, खुद अपनी नजर से स्वामी जी का अन्वेषण करें। दूसरी विशेषता मुझे जो स्वामी जी की बहुत प्रेरित करती थी वो ये कि भारत के जितने भी ज्ञान मार्गी हुए, ज्ञान मार्गी जिन्होंने तपस्या की, उन्होंने या तो जंगलों में की या हिमालय पर की। स्वामी विवेकानंद एकमात्र भारत के ऐसे संत हैं जिन्होंने भारत माता के चरणों पर बैठकर कन्याकुमारी में वो साधन रखी। वो पहला व्यक्ति है जिसने कन्याकुमारी में बैठकर के भारत को भारत माँ का और एक देवी का स्वरूप में, के स्वरूप में उन्होंने भारत को देखा। ये बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि जब आप एक भूमि के खंड को जब आप देवी के रूप में देख सकने की क्षमता आपके अंदर आ जाए, जब आपको लगे कि हिम मुकुट से सजा कश्मीर मस्तक, हिमालय के पर्वत श्रेणियां केश है माँ के, गंगा यमुना गले के हार हो मानो, अरावली और वंध्याचल माँ के वक्षस्थल हो जैसे, जहां तीन तीन समुद्रों में माँ के चरण कमलों को पकारने की होड़ मची हो जैसे, ये व्यक्ति क्या देख रहा है? क्योंकि उसके गुरु ने उसको कहा था कि तुझे विशाल वट वृक्ष बन करके इन भारतवासियों की सेवा करनी। क्योंकि एक दिन रामकृष्ण ने उनसे पूछा, स्वामी जी गए, रामकृष्ण परमहंस लेटे हुए थे, गले का कैंसर हो गया था, उठ बैठ नहीं पाते थे, गले से आवाज भी नहीं निकलती थी। बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। बोले नहीं नहीं नहीं, तेरा चेहरा देख करके लग रहा है कि तुझे कोई बात परेशान कर रही है। तो नरेंद्र ने कहा कि बाबा ऐसा कब तक होगा कि मेरे देशवासी मुट्ठी भर अनाज के लिए रास्ते पर भीख मांगे? बोले तेरा आकाश बड़ा हो रहा है, तू पहले परिवार के लिए चिंतित था, अब देश के लिए देखना कुछ दिनों के बाद पूरा विश्व तुझे अपना लगने लगेगा। अच्छा, क्या भाव आता है तेरे मन में देशवासियों के लिए? ने बाबा उनके लिए तो दया का भाव आता है। तो ठाकुर भड़क जाते, बोले भाग जा यहां से, निकल जा, शक्ल नहीं दिखाना अपनी। नवीन सोचने लगे, ऐसा मैंने क्या बोल दिया गुरु से? बोले तू है कौन? भगवान है? खुदा समझता है अपने आप को जो दया करेगा इन पर? अरे तू सेवा करेगा, ये जो दीन दुखी लोग हैं मेरे देश के, इनकी सेवा करेगा तू।
इसलिए स्वामी जी ने जब रामकृष्ण मिशन की स्थापना की तो उन्होंने सेवा का क्रम लिया। इस सेवा के क्रम में उन्होंने बहुत से लोगों से प्रेरणाएं ली। जब पंजाब में गए तो उन्होंने देखा कि गुरुद्वारे में सेवा होती है, गुरुद्वारे में लंगर होता है। जब विदेशों में गए तो उन्होंने देखा क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, स्कूल्स बनाते हैं, सेवा करते हैं दुखी लोगों की। तो यहां आकर के उन्होंने रामकृष्ण मिशन जब बनाया तो उन्होंने सेवा का व्रत दिलवाया, सेवा करें। उसके पहले तक भारतवर्ष में आश्रम में अगर आप जाएं तो आप कुछ फल वल लेके जाते थे, कुछ दान दक्षिणा लेके जाते थे, जो भी महाराज जी स्वामी जी होते थे उनके चरणों पर रखते थे। पर रामकृष्ण मिशन में ऐसा नहीं। रामकृष्ण मिशन में अगर कोई बाढ़ आई, कोई भूकंप आया, कोई भी आप विपदा आई, रामकृष्ण मिशन के सन्यासी स्वयं आपको वहाँ काम करते हुए दिखेंगे। तो सेवा की परंपरा उन्होंने सबसे शुरू की और इसके लिए उनके गुरु ने उनको प्रेरित किया। और गुरु भी कैसा गुरु, जिसने इस्लाम कबूल किया, ईसाई धर्म में दीक्षित हुए। ये आपको पता है स्वामी रामकृष्ण परमहंस, पहले रामकृष्ण परमहंस थे रामकृष्ण भट्टाचार्य, उसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया, थोड़े दिन मुसलमान बन के रहे, फिर थोड़े दिन उन्होंने कहा ये भी नहीं, चलो क्रिश्चियन बन के देखते हैं, क्रिश्चियन भी बने। फिर बाद में उन्होंने कहा कि सारे रास्ते एक ही तरफ जा रहे हैं, इससे कोई नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जगह स्वामी जी उनसे पूछते हैं, बाबा आपने इस्लाम कबूल किया, ईसाई धर्म में दीक्षित हुए और हिंदू धर्म की बात भी करते हैं, तो बंगला में उन्होंने कहा जोतो मौत तोतो पौत, जितने मत हैं उतने ही पथ हैं। मैं देखना चाहता था उनको, अब देख लिया कि सारे रास्ते उसी शक्ति की ओर जाते हैं। तो स्वामी पूछते हैं कि पर बाबा आपका व्यवहार तो मजहबी लोगों जैसा नहीं है। बोले ये सब लोग गले पर तलवार रख करके अपना धर्म फैलाना चाहते हैं, मधुमक्खियों का छत्ता बन गया है हर एक धर्म। अब तुमको तय करना है कि तुम क्या पाना चाहते हो, ब्रह्म रूपी शहद या काटने वाली मधुमक्खियों की संगत। कई बार अगर आप स्वामी जी को पढ़ेंगे तो स्वामी जी कहीं भी कोई भी श्रेय अपने ऊपर नहीं लेते, वो हर जगह कहते हैं कि जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, जो कुछ भी मेरी विचारधारा है, विचार श्रृंखला है, वो मेरे गुरु की दी हुई है। तो अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मैं उस बल्ब की तरह हूँ जिसमें जो इलेक्ट्रिक पावर है वो मेरे गुरु की आशीर्वाद का, इसी वजह से मैं जल रहा हूँ और आपको प्रकाशमान दिख रहा। भारत दरअसल एक देश के रूप में कभी भी नहीं था, एक संस्कृति के रूप में, एक धारणा में भारत नाम का एक देश, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, इस तरह के बहुत सारे नामों से उस धारणा को हम जानते थे। पर स्वामी जी ने जो भारत की परिक्रमाएं की है, पूरे भारत पांव से चलकर, उसकी वजह से धीरे धीरे भारत को उन्होंने एक आकार दिया, एक जियोग्राफिकल मैप हमारे दिमागों में। आप आश्चर्य करेंगे, मद्रास में कई लोगों को विश्वास नहीं होता कि विवेकानंद बंगाली थे, उनको लगता है वो तो मद्रासी थे, तमिल थे, क्योंकि भारत में आते हैं तो पहला भाषण मद्रास में देते हैं। उनके जितने भक्त कलकत्ते में हैं उससे ज्यादा भक्त उनके मद्रास में थे। अब मैं आपको नाटक से जुड़ी हुई कुछ चीजें ऐसी रोचक बता रहा हूं। एक गीत मेरे नाटक में है, मैं गा के भी सुनाता हूं आपको, पर उस गीत को गाने के पहले मैं आपको बताऊं कि गीत की विशेषता ये होती है कि गीत कहानी को आगे बढ़ाता है। अब अगर ये गीत मैं आपको ऐसे ही सुना दूं तो आप बोलेंगे शेखर जी इसमें तो कोई, इस गीत में कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, तो बेकार का गीत है आपने। लेकिन ये गीत मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था कि स्वामी जी उस समय एकदम तरुण है, ब्राह्मण समाज से प्रेरित है, निर्गुण उपासना करते हैं, और उस समय अचानक बंगाल में अकाल आया और वो लोग मर रहे हैं,
हजारों लाखों लाशें पड़ी हुई हैं, कोई साफ करने वाला नहीं। लोग भाग भाग के कलकत्ते आते थे कि शायद कोई अनाज मिल जाए, शायद कोई काम मिल जाए। और स्वामी जी के मन में पहला विचार आया वो नास्तिक हो, और उन्होंने कहा अगर ईश्वर है, अगर हम कहते हैं कि ईश्वर है, तो फिर ये सब कैसे हो रहा है? लोग भूख से कैसे मर रहे हैं वो नहीं देख रहा है। वो कहता है ना कि भाई मैं आप सबका पिता हूं या माँ हूं, तो माँ को दिखाई नहीं दे रहा है, पिता को दिखाई नहीं दे रहा है कि उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। अब ये सीन जब मैं चल रहा था मेरे दिमाग में, मैं विमान से कलकत्ते से मुंबई आ रहा था, और मेरे ठीक सामने की सीट में हरिप्रसाद चौरसिया जी बैठे। हरी जी मेरे माँ के गुरु भाई हैं, और अन्नपूर्णा जी से दोनों ने सीखा है, तो मैंने प्रणाम किया। अब थोड़ी देर तक उन्होंने मुझसे हाँ वर्ल्ड कप कोई कहा हाँ बनी चीज और मेरा बाट मिल रहा है कहा नया नाटक लिख रहा। अब जैसे ही बातचीत हुई, सीट बेल्ट बांध के मैं बैठ गया, अचानक वो गाना दिमाग में आया, सीन दिमाग में आ गया। अब मैंने कहा अगर अच्छा मेरी आदत है कि मैं गुनगुना के लिखता हूँ, कोई भी गायक अगर यहाँ होगा वो हमेशा गा कर लिखेगा। अब ट्यून आ गई दिमाग में, पर गाऊंगा तो हरी जी को लगेगा पक्का मुझे सुना रहे हैं। तो मैंने कहा कैसे इसको मैनेज किया जाए, तो मैंने झट से अपना लैपटॉप खोला, उसमें पहले नोटेशन लिखा, फिर गाना लिखा, फिर नोटेशन लिखा, फिर गाना लिखा, ऐसे करके मैं पूरा गाना हो गया। जैसे मैंने रोका तो पंडित जी ने कहा अच्छा सर भी शेखर क्या लिख रहे हो? पंडित जी सीन लिख रहा था, पहली बार किसी कलाकार को लैपटॉप चलाते हुए देख रहा हूँ। कलाकार आदमी लैपटॉप से क्या मतलब है? पर वो सीन वही आना था, 32,000 फीट की ऊंचाई पर, तो वही आता है। उसके उसकी कोई मतलब कोई जगह फिक्स नहीं होती, सृजन जो होता है वो कहीं भी हो सकता है। तो खैर वो दृश्य मैं आपको सुना, और फिर गाना सुनी। गाने के शब्द हैं अगर तुम हो तो ये क्यों है, अगर तुम हो तो ये क्यों है। आप बोलेंगे क्या गाना है अगर तुम हो तो ये क्यों है, पर आप सीन जब सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अचानक संगीत कैसे एक एक पूरे दृश्य का सृजन कर सकता है। कलकत्ते में उस साल अकाल पड़ा हुआ था, अपने देशवासियों की हालत देखकर मन पागल हो जाता, भूख से तड़पते बच्चे फटे हुए कपड़े के टुकड़ों से इज्जत ढांकने की बेबस कोशिश करती मां बहनें, और गांव से भागकर आए हुए लोग इस उम्मीद में कि शायद किसी दयालु की नजर पड़ जाए उन पर। पेट और पीठ जब चिपक कर एक हो जाए तो उसे देखना आपको शर्म महसूस कराता, धिक्कारता था मैं अपने आप को, नास्तिक हो गया था मैं। हिंदुओं के करुणा निधान, मुसलमानों के रहीम और ईसाइयों के दयालु परमपिता परमेश्वर पर से मेरा विश्वास उठने लगा। ये कैसा न्याय है कि एक तरफ लोग भूख से बिलबिला रहे हैं और दूसरी तरफ समाज का एक वर्ग ज्यादा खाकर बीमार पड़ा है। अगर तुम हो तो ये क्यों है, 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 न भूखों को मिले रोटी न प्यासों को मिले पानी, ये कैसा न्याय है भगवन जहां जी
है तुमसे बस यही कहना, अगर तुम हो तो ये क्यों है, अगर तुम हो तो ये क्यों है, अगर तुम हो तो ये क्यों है। मेरे नाटक में 32 स्थानों पर गीत आते हैं, विवेकानंद 2 घंटे के नाटक में 32 जगह पर गाता हूं। मुझे लोगों ने, कई लोगों ने सवाल किया, पर उनको भी पता नहीं था कि स्वामी जी ने बाकायदा क्लासिकल म्यूजिक सीखा था। गाने के अलावा वो बहुत अच्छा पखावज बजाते थे, बहुत अच्छा सितार बजाते थे, बहुत अच्छी बांसुरी बजाते थे और बहुत अच्छा इसराज बजाते थे। इसराज, इसराज आपको पता है, एक बात थी, इसराज सारंगी की तरह बजता है, वो इंस्ट्रूमेंट है, पर उसमें पर्दे लगे होते हैं, इसलिए अभी भी आप कभी BD7 देखें कल कैलकटा बंगाली TV, तो उसमें आपको इसराज बजते हुए मिल जाएगा। तो स्वामी जी की विशेषता थी कि वो जहाँ भी जो भी संगीत सुनते थे उससे प्रेरित होते थे, जहाँ भी कोई भाषा सुनते थे उससे भी प्रेरित होते थे। और अभी बोलते बोलते एक और घटना याद आ गई, स्वामी जी की स्मरण शक्ति के बारे में भी बड़ा सुंदर, बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं, पर कुछ गलतफहमियां बड़ी अजीब हैं। जैसे स्वामी जी के बारे में पता नहीं क्यों एक गलतफहमी है कि स्वामी जी ने विश्व धर्म सम्मेलन में शून्य पर भाषण दिया, ऐसा किसी ने सुना है? मुझे कई लोगों ने आकर के प्रश्न किया, शेखर जी वो शून्य वाला आपने कुछ बताया नहीं, तो स्वामी जी ने तो शून्य पे बोला था। मेरा नाटक शुरू हो चुका था, मैंने कहा रामकृष्ण मिशन में किसी ने मुझे नहीं बताया, मैंने घर जाकर के फिर से पूरे भाषण जो स्वामी जी ने दिए थे। आपको मैं केवल ये याद दिलाऊं कि विश्व धर्म सम्मेलन एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड ट्रेड फेयर का एक हिस्सा था। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि विश्व व्यापार मेला, क्योंकि अमेरिका को सुपर पावर बनने के लिए उसने 50 सालों की प्लानिंग की थी। आज जब हम अमेरिका को एक सुपर पावर कहते हैं तो वैसे ही एक दिन में सुपर पावर नहीं बना, उसने उसकी तैयारी की। तो उसने कहा कि सबसे पहले ट्रेड, इंडस्ट्री, बिजनेस, आर्किटेक्चर, तो उसने बड़े बड़े ब्रिजेस बनाने शुरू किए, टनल्स बनाने शुरू किए, बड़े बड़े डैम्स बनाने शुरू किए, ताकि वो टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया में एक आतंक पैदा करे अपने सर्वोत्तम होने का। तो उस समय कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, केवल आप ट्रेड फेयर करेंगे और इंडस्ट्रियल फेयर करेंगे इससे बात नहीं बनेगी, आपको यू हैव टू इंक्लूड ऑल द सब्जेक्ट्स। तब उसमें विश्व धर्म सम्मेलन, उसका जो नाम था उस समय, दैट वॉज पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स। और आप अगर शिकागो जाएं तो अभी भी शिकागो में जो आर्ट म्यूजियम है, आर्ट म्यूजियम, वो उस आर्ट म्यूजियम के अंदर ही स्वामी जी का भाषण हुआ था। और उस सड़क का नाम आज से नहीं, 100 साल पहले से स्वामी विवेकानंद रोड है आज भी। 100 साल पहले से, जब भारत में भारतीयों का राज्य नहीं था, अंग्रेजों का राज था, तब से उन्होंने वो नाम विवेकानंद का कर दिया। बहुत कम लोगों को पता है कि एक्चुअली 11 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर तक विश्व धर्म सम्मेलन चलता है, 17, और 17 दिनों में से स्वामी जी वॉज द ओनली स्पीकर, ओनली ओरेटर, जिनको 12 दिन बोलने का मौका। उसका कारण यह था कि वॉज सच एन इंप्रेसिव ओरेटर कि उनको सुनने के लिए जैसे कहीं भीड़ कभी उठती थी, 15-20 लोग उठे, बोल प्लीज स्टॉप स्टॉप, अभी विवेकानंद विल बी गिविंग द लास्ट स्पीच, तो लोग बैठ जाते थे। यहां पर मैं आपको वो भाषणों का एक जो मैंने संकलन किया है वो सुनाऊं मेरे नाटक से। उसके पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस जगह पर नाटक लिखते लिखते मैं रुक गया था और मुझे करीब 1 महीना रुकना पड़ा,
आपके यहाँ कोई बड़ी लाइब्रेरी होगी तो आप देखिएगा, उसमें पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स इतनी बड़ी पुस्तक, वो पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई है। और जैसे लोकसभा में पार्लियामेंट में जिस तरह से होता है, हर एक कट, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंट, एवरी मिनट एवरी सेकेंड इज डॉक्यूमेंट। तो जैसे आपने देखा होगा लोकसभा में पहले टाइप राइटर से लोग टाइप करते रहते थे, आजकल लैपटॉप में या कंप्यूटर पर बैठ के टाइप करते हैं, बिकॉज एवरी सेंटेंस, किसी ने ना कहा, किसी ने हाँ कहा, किसी ने कोई उसमें संशोधन लाया, एवरीथिंग इज नोटेड। सेम वे द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन की संरचना बनाई गई थी। उसमें एक जगह आता है कि जब स्वामी जी ने भाषण देना शुरू किया तो उन्होंने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ कोलंबिया, देखिए आपकी आंखें कितनी बड़ी होगी। स्वामी जी ने जो अपना ओरिजिनल भाषण दिया था उसमें उन्होंने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ कोलंबिया कहा था, क्योंकि अमेरिका का जो पहला नाम था वो कोलंबिया था, बिकॉज कोलंबस ने उसको खोज के निकाला। बाद में जब दक्षिण अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में कोलंबिया नाम का एक देश उन्होंने बना लिया, तो फिर उन्होंने अपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, दे वर क्वाइट हैप्पी एंड दे वर, दे डिडंट हैव मच हिस्ट्री कि उसके पीछे कोई लड़ाई करे, तो क्या अमेरिका इज फाइन। पर आपने भी एक और देखा होगा यूट्यूब में अचानक ओरिजिनल वॉइस ऑफ विवेकानंद के नाम से बहुत सारे आते हैं। ये भाषण उन्होंने दिया था 11 सितंबर 1893। सबसे पहले साउंड रिकॉर्डिंग शुरू होती है 1889, मतलब 4 साल पहले। पर उस समय तक रिकॉर्डिंग जो थी वो एक्सपेरिमेंटल चल रही, उसका कोई ठोस उनको ये नहीं मिल रहा था, क्योंकि मोम के ऊपर रिकॉर्डिंग होती थी तो 2-3 दिन में मोम पिघल जाता था और वो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इसको रिकॉर्डिंग की जाए। तो रिकॉर्डिंग का भी एक पूरा सिलसिला है, लोगों को ऐसा लगता है रिकॉर्डिंग बहुत दिन से हो रही है, नहीं। अब आप याद करिए, सबसे पहले आपके पास जो फिल्में आई दे वर ऑल साइलेंट फिल्म्स। जो बोलने वाली फिल्म आती है वो 1933 से आती है, जो भारत में पहली आला मारा आई, उसके पहले की आप जितनी भी फिल्में देख रहे हैं वो सब साइलेंट फिल्म है, उसमें कैप्शन आते थे डायलॉग की जगह। चार्ली चैपलिन की फिल्म्स वगैरह अगर आप देखते होंगे तो दे वर ऑल साइलेंट फिल्म्स, क्योंकि साउंड को रिप्रोड्यूस करना, साउंड रिकॉर्ड हो जाता था और उसको रिप्रोड्यूस कैसे करें, तो उसकी पहली पहचान। अब मेरे पास रोज 3-4 मेल आते हैं, शेखर जी आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको मैं ओरिजिनल स्वामी जी की रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ। कितने लोगों को समझाएं, पूरे कुएं में भांग पड़ी है। तो मैं कहता हूँ भाई, ओरिजिनली स्वामी जी ने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ कोलंबिया कहा, पहली पहचान तो वो है। और दूसरा, उस समय तक कोई रिकॉर्डिंग आपको 1893 की, चलिए स्वामी जी का छोड़ दीजिए, किसी और की कोई रिकॉर्डिंग मिल जाए। यहां पे आपको बताऊं कि इंडिया में पहली रिकॉर्डिंग शुरू होती है 1902 में कैलकटा के एक होटल में। डू यू नो एनीथिंग अबाउट वॉइस ऑडियो रिकॉर्डिंग? मैं रोचक बताता हूं, आप बहुत इंटरेस्टिंग है कैसे रिकॉर्डिंग होती थी। माइक्रोफोन नहीं होता था, तो जो चोंगा होता है ना, पोंगा, दैट यूज्ड टू बी द माइक। तो ऑल ग्रेट सिंगर्स, छप्पन छुरी एक बहुत बड़ी गायिका थी उस समय, गौहर जान वॉज अ ग्रेट लेजेंड। गौहर जान उस समय चार्ज करती थी 3,000 रुपीज 1902 फॉर अ 3 मिनट रिकॉर्ड, 3,000 रुपीज 1902 में। अब आप बताइए हम लोगों ने कितना रेट गिरा दिया अपना। तो रिकॉर्डिंग ऐसी होती थी कि उनको ये मालूम था कि 3 मिनट 18 सेकंड, आपको, आपने पुराना 78 RPM चलाया होगा, 3 मिनट 18 सेकंड का रिकॉर्ड होता था ग्रामाफोन, कुत्ता बैठा के सुन रहा है हिज मास्टर्स वॉइस। तो रिकॉर्डिंग में पहला नियम ये होता था कि 3 मिनट के बाद जो भी गा रहा है गौहर जान, तो उसका कपड़ा खींचा जाता था, एक झटका देते थे ऐसे, तो उससे सिंगर को मालूम पड़ जाता था। और क्योंकि सिंगर मुंह अंदर करके अंधेरे में गाता था, ठीक है, तो उसको पहला सिग्नल होता था कि 3 मिनट हो चुके हैं, 15 सेकंड में आपको खत्म करना है।
तो अगर उसने खत्म करने की तैयारी नहीं, क्योंकि भारतीय गायक एक बार गाना सुन के छोड़ता नहीं, तो 3 मिनट 12 सेकंड में 3-4 लोग मिलके पूरे के पूरे सिंगर को खींच के पीछे ले आते थे और म्यूजिक ऑटोमेटिकली फेड आउट हो जाता था। तो केवल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब मैंने ये सीन किया तो मैंने पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स मुझे बुक मिल गई और उसमें लिखा था 4 मिनट 17 सेकंड तक स्टैंडिंग ओवेशन हुआ आफ्टर दीज 5 वर्ड्स सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ करमपुर फॉर एन अननोन पर्सन जिसको कोई नहीं जानता था। विवेकानंद वॉज नॉट नोन, इवन हिंदू रिलीजन नाम का कोई रिलीजन भी उस समय उसके पहले किसी ने वो शब्द भी नहीं सुना। मैंने अभी प्रश्न किए आपको, मैं एक और छोटा सा प्रश्न पूछ लूं तो आपको शायद फिर से दुख होगा कि हिंदू नाम का शब्द भारत की किसी भी भाषा का शब्द नहीं। एनी गेसेस? हिंदू वर्ड इतने भी भारतीय बेवकूफ नहीं कि सिंधु को हिंदू बुलाएंगे। सिंधु को सिंधु बोलते क्या तकलीफ, कोई ऐसा उच्चारण करने में हम लोगों को थोड़ी दिक्कत है। आपके किसी ग्रंथ में हिंदू शब्द है क्या? किसी वेद में, किसी उपनिषद में, किसी पुराण में, किसी मीमांसा में कहीं पर है हिंदू नाम का शब्द ही नहीं। हिंदू शब्द आता है फारसी से। फारसी के शब्दकोश को देखेंगे तो उसमें हिंदू के 3-4 अर्थ हैं। पहला है काला चोर, दूसरा है असभ्य, तीसरा है कबीले में रहने वाला और चौथा है नरभक्षी। इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता हो स्वीकार करें। पर वहां पर उनको डॉक्टर हेनरी राइट जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रीक भाषा के प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि आई डोंट यू रिप्रेजेंट हिंदू रिलीजन बिकॉज यू हैव कम फ्रॉम हिंदुस्तान, इट इज हिंदू एंड वन ऑफ द नेम्स हिंदुस्तान वॉज गिवन बाई द फारसी पीपल, द ईरानी पीपल। तो स्वामी जी को उसीलिए गए थे कि भारत की मेधा का एक दर्शन वहां कराए। तो मैंने अपना नाटक लिखना रोक दिया। मैंने कहा यार 4 मिनट 17 सेकंड मैं आपको घड़ी देता हूं, आप एक अनजाने व्यक्ति के 5 शब्दों पे 4 मिनट 17 सेकंड तक खड़े होकर ताली बजाएंगे? और क्या बोल दिया उन्होंने, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। चलिए ये एक अच्छी बात है कि लेडीज एंड जेंटलमैन उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका या कोलंबिया कहा। पर इसके लिए 4 मिनट 17 सेकंड, मुंबई में हम लोग लोकल ट्रेन रुकती है 8 सेकंड में 15,000 आदमी चढ़ जाते हैं, 20,000 आदमी उतर जाते हैं, इतनी कुछ घटना हो जाती है 8 सेकंड में। 4 मिनट 17 सेकंड स्टैंडिंग ओवेशन, आई डोंट बिलीव, बट इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट बिकॉज टाइम क्लॉक चल रहा है और एवरी सेकंड इज नोटेड, सो ही इज नॉट रॉन्ग। मैंने कहा यार नाटक रोको, पहले पढ़ो उसको कि ये चक्कर क्या है, 4 मिनट 17 सेकंड स्टैंडिंग ओवेशन के पीछे रहस्य क्या है। तो मुझे पहला एक छोटा सा एक अंदेशा मिला जहां पे स्वामी जी जब परिव्राजक बनकर के पहली बार निकलते हैं भारत भ्रमण करने के लिए तो उनका एक गुरु भाई उनके साथ आता है और वो पूछता है बंगला में, नरेंद्र नरेंद्रदा आभार कौकू नाश्ते, कब लौटोगे कलकत्ता? तो बोलते हैं जानी ना भाई कौकू नाश्ते, पता नहीं भाई कब आऊंगा, किंतु जेदिनी आशु बुमार मोतन फाटपो, जिस दिन भी आऊंगा बम की तरह फटूंगा। उसके बाद वो जब आते हैं तो वो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के बाद आते हैं तो वाकई में बम की तरह फटते हैं, पर ये विस्फोट वाली बात आती है। फिर भी मुझे संतोष नहीं हुआ, मैंने कहा यार ये भी बात नहीं जमी। मैं पढ़ता रहा, अचानक बेलगांव, आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे बेलगांव में स्वामी जी थे और स्वामी जी बहुत कम रुकते थे कहीं भी, तो वहां पर वो एक वकील के घर में रुके। वकील को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि दिस इज ग्रेट नॉलेजेबल सन्यासी जिसके साथ आई कैन आस्क क्वेश्चंस एंड ही इज वेरी जॉली, ही सिंग्स, ही क्रैक्स जोक्स।